नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा परनाल में खेत पर कूड़ा डालने गई युवती के साथ दबंगों ने छेड़खानी कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि योगी सरकार में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जनपद मैनपुरी के थाना बरनाल क्षेत्र में छेड़खानी की घटना को देखने को मिली है, जहां ग्राम सोत्रा निवासी गंगावती देवी की पुत्री खेत में घूरा डालने गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे शिवम पुत्र राजेश कुमार व राजबहादुर पुत्र बाबूराम ने लड़की को पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगे। चीख पुकार सुनकर वहां दौड़कर पहुंचे तो विरोध किया। मारपीट कर दबंगों ने लड़की के हाथ की उंगलियां काट ली, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र बरनाल पर भर्ती कराया गया। थाने में शिकायत करने की बात सुन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या घटना हुई आपके साथ? हम कूड़ा डालने गई तो वहीं जो लोग बैठे थे उधर से लौट के आए तो जो लोग मारपीट करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। शिवम ने उंगली उठा ली, राजेश और राजबहादुर इन लोगों ने मारपीट की। मम्मी गई बचाने तो मम्मी को मारा, तो पीछे से हम लोगों के पीछे अंदर घर में घुस के मारा। क्या नाम है तुम्हारा? गंगावती। क्या घटना हुई है? मेरी लड़की कूड़ा डालने गई थी तो वहाँ पे जो घात लगाए बैठे थे राजेश का लड़का शिवम, और इनने वहाँ हमारी लड़की को मारा पीटा है। मैं छेड़खानी करी है, मेरी लड़की की उंगली खाई है। जब आप जब वहाँ पहुँची तो उसके बाद वो लोग भाग गए थे क्या? भागे नहीं थे, जब मैं मुझे सुनने को मिली तो मैं सानी छोड़ के मैं भाग कर आई। मैंने कही अपनी लड़की को बचाने आई तो अब लड़की को छोड़ के मुझे लिपट गए मारने के लिए। फिर मैं अपने घर पर भाग के आई हूँ तो मेरे घर पर रोने ही चले आए, फिर मेरे घर पर मुझे मारा।